पिक्चर ने मैसेज ये दिया है कि बहुत मतलब बहुत अच्छा मैसेज है, और लोगों को मतलब जो जो चीज़ें से शर्म आती है तो वो चीज़ें सेफ्टी के लिए शर्म बाजू में रख के सेफ्टी पहले देखना चाहिए, और उसी को पिक्चर में अच्छे से बताया है। जैसे वो जो जो रियल आदमी है पैडमैन, उसका कैरेक्टर अक्षय कुमार ने किया है। एंटरटेनमेंट के लिए तो अक्षय कुमार ने तो कैरेक्टर ज़बरदस्त किया है, बट जिसने भी ये काम किया है पैड बनाने का सस्ते में, लाइक सब लेडीज़ को, जैसे उसका सपना था 100% लेडीज़ को पैड यूज़ करने, तो उसके लिए बहुत अच्छा, मतलब उसका इनिशिएटिव बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा इनोवेशन भी था। तो दैट इज़ व्हाट पिक्चर में दिखाया है। हाँ, बराबर। जैसे गांव-गांव में, शहर में तो लड़कियां खरीद सकती हैं, लेकिन गांव में बहुत जगह पे आज भी देखा, ये सब 7-8 साल पहले की बात है, तभी भी गांव में कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थी और इतने लोगों के पास पैसे भी नहीं है, तो भी उसने 2 रुपये में अवेलेबल करके दिखाया। बहुत अच्छा बात है। अरे सोनम कपूर भी अच्छी एक्टिंग थी। अरे अक्षय के बारे में तो सवाल ही नहीं यार, फैन है हम लोग उसके। पूरी स्टोरी लाइन अच्छी, आर बाल्की के पहले पिक्चर देख चुके हैं हम लोग, ओके चीनी कम वगैरह। हाँ मेरी शर्म नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लास्ट का अक्षय कुमार का स्पीच बहुत अच्छा था, मतलब उसने जो स्पीच दिया उसमें उसकी एक्टिंग और जो जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा रहेगा उसका थिंकिंग, और उसको जैसे उसने अक्षय कुमार ने बोला है कि लिंग्लिश, जैसे इंग्लिश और लक्ष्मीकांत की इंग्लिश, इसलिए लिंग्लिश, वो बहुत अच्छा बनाया है। टू गुड, सबने देखना चाहिए ऑफकोर्स, और स्पेशली जो स्कूल गर्ल्स है जो 7th-8th standard में अभी बड़ी हो रही है, उनको तो देखना ही चाहिए। स्टोरी तो बहुत अच्छी है, स्टोरी मतलब रियल है, तो हम लोग तो सिर्फ अभी हम लोगों को तो पता भी नहीं था उस आदमी का नाम, लेकिन अभी इस मूवी की वजह से, ऐसे एंटरटेनमेंट की वजह से सबको पता चल रहा है कि कौन है हमारे सुपर हीरोज़, रियल सुपर हीरोज़। जैसे उसमें बताया कि ये बात किसी को पता भी नहीं थी, बट ऐसे मूवीज़ की वजह से लोगों को पता चलता है कि ये सब सुपर हीरोज़ है हमारे। डायलॉग याद है ना, बहुत अच्छे। इफ द वुमन इज स्ट्रांग देन द कंट्री बिकम स्ट्रांग, अगर वुमन मदर सिस्टर स्ट्रांग देन कंट्री स्ट्रांग। सॉरी, 5 में से 5 स्टार, मैं तो 5 स्टार दूंगा। अरे पैडमैन और अरिजीत सिंह का स्टार्टिंग का सॉन्ग आज से तेरी, मेरी कॉलर ट्यून है वो, 1 महीने से कॉलर ट्यून है, मेरी वाइफ बोल रही है चेंज कर कॉलर ट्यून, मैं बोलूँगा पहले पैडमैन देखूंगा बाद में चेंज करूंगा। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा था, ऑसम मूवी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, देखना चाहिए सबको। सोनम की भी अच्छी है, बहुत देखना चाहिए पब्लिक को, बहुत अच्छा फिल्म है, नया इनोवेशन है, देखना चाहिए सबको। करेंगे कुछ सब लोग, तो अभी करने का हेल्प करना ही है लेडीज को, तो फिर पब्लिक को देखना ही चाहिए डेफिनेटली, श्योर। याद नहीं आया, देखते थोड़ा। ऑसम ऑसम। टैक्स फ्री करना चाहिए, वो जो 5 रुपीज़ की जगह 2 रुपीज़ भेजोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, रूरल एरिया में मिलना चाहिए उसको, वो तो फ्री में देना चाहिए। अक्षय कुमार ने तो वैसे ही बोले कि फ्री में मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा लेडीज के लिए। 5 फुल। बहुत अच्छी थी, इट वॉज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी। हाँ बहुत केमिस्ट्री बहुत अच्छा था दोनों का, और लाइक दोनों का मूवीज मतलब एक्टिंग बहुत अच्छा था दोनों का। एक्चुअली गिल्टी नहीं फील करना चाहिए पब्लिक को, बिकॉज लाइक ये जो मूवी है ना, ये मूवी डायरेक्टली क्या करता है कि मैसेज पहुँचाता है हमारे, जैसे मतलब कंट्री में, हमारे गाँव में जैसे कि प्रॉब्लम्स होते हैं ना, बिकॉज़ कि ये जो औरतें हैं उनको मतलब कोई मैसेज पहुंचाने वाला नहीं रहता, बट ये जो मूवी है इसे देखना चाहिए, देखने के बाद में इट लुक्स लाइक वेरी फैंटास्टिक, दे शुड वॉच। बहुत अच्छी थी, बस इतना ही बोले, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, एक नंबर, एक नंबर, अच्छा था। मस्त स्टोरी, ओवरऑल अच्छी, अच्छा मैसेज है, अच्छी थी।
बहुत अच्छी मूवी है, नाइस मूवी, बहुत अच्छा है। सोनम लुकिंग ब्यूटीफुल, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। फोर स्टार्स, अच्छी है पिक्चर, गुड मैसेज, अक्षय कुमार इज सुपर्ब एंड गुड मैसेज इन द मूवी। आई थिंक इट्स वेरी वेरी एजुकेशनल, सबको देखना चाहिए और यू नो यू शुड वॉच इट विद योर एंटायर फैमिली, रियली रियली गुड मूवी। फाइव स्टार्स। इट वाज वेरी नाइस, सुपर्ब है। स्टोरी कैसी लगी आपको? इट इज अ रियल स्टोरी बेस्ड आई हर्ड, सो इट इज वेरी नाइस। जो सोनम के बारे में, सोनम की एक्टिंग जो बैटमैन जो बोल रहे हैं, मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है, बैटमैन ने पिक्चर बनाया एक्टर ने, तो पब्लिक को देखना चाहिए? यस ऑब्वियसली पब्लिक को अच्छे से देखना चाहिए उसमें क्या है, और जो भी है वो सब सच है लगता है। मैं तो पूरे दूंगी, बट इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा मूवी था। जो आपने एक्सपेक्टेशन किया था मूवी में, जो सब आपने एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा था। जैसे कि अभी सरकार से अक्षय कुमार ने बोला था कि जो चीज है उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। गाने के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छे गाने भी बहुत अच्छे हैं। सोनम कपूर की और अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी लगी? सोनम कपूर और अक्षय कुमार की अच्छी है, राधिका आप्टे का थोड़ा सा रोल कम है तो इसलिए फिर वो केमिस्ट्री अच्छा लगा। और सोनम की एक्टिंग और स्टोरी कैसी लगी मूवी? स्टोरी बहुत ही अच्छी है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। और जो मूवी मतलब वुमेन्स के बारे में, और जो अक्षय ने अच्छा कदम उठाया, मतलब सॉरी वुमेन्स के बारे में अच्छा है ना, अच्छा कदम उठाया जो बैटमैन के मूवी बनाकर, तो आपको क्या कहना चाहिए? मतलब और ऐसे मूवीज़ और ऐसे इंडिया में जो सुधार है वो आने चाहिए, ऐसे मूवीज़ या फिर जो अक्षय कुमार कर रहा है इनिशिएटिव वो अच्छा है, पब्लिक को देखना चाहिए। हाँ पब्लिक को देखना चाहिए। आउट ऑफ 5 कितना स्टार दोगे आप? 4 स्टार्स, 5 आउट ऑफ 5। आप कितने स्टार? 4 स्टार्स। थैंक यू। मूवी तो अच्छी थी, मतलब इट वॉज नाइस टू सी, और अलग कुछ देखने मिला, और इससे अपना नेक्स्ट जनरेशन को भी अच्छा समझ आ जाएगी ना पैड्स के बारे में, मतलब पीरियड्स के बारे में, कि वुमेन्स क्या ये करते, सेक्रीफाइस करते। गाने कैसे लगे मूवी में आपको? गाने तो ऑसम थे, अच्छे लगे। कौन से गाने अच्छे लगे ज्यादा? कौन से गाने मतलब अभी इतना तो सब गाने तो अच्छे ही थे, पर लास्ट वन डायलॉग्स तो ठीक थे, मतलब अच्छे ही थे। अक्षय की एक्टिंग को तो कौन यही नहीं कर सकता है, मतलब जज ही नहीं कर सकता है, उस एक्टिंग तो तोड़ ही करता है वो तो। हाँ मैं खुद मेरी बात ले लेते, मैं मेडिकल में जाता था तो शर्मा था आजू बाजू में देख के, मैं उससे आज अक्षय की पिक्चर आप देख के आप क्या बोलेंगे पब्लिक के? मतलब इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली है ना, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब वुमेन्स है, हाँ वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपने मतलब उनके लिए, वो इतने मतलब ऐसा शर्माना तो नहीं चाहिए, मैं तो अभी तो सोचता हूँ मतलब शर्माना नहीं चाहिए। फाइव, मैं तो 5 ही दूंगा। मूवी काफ़ी अच्छी थी बस। और अक्षय के बारे में, अक्षय की एक्टिंग कैसी लगी? अक्षय कुमार की एक्टिंग मस्त थी, 5 स्टार है मेरे तरफ से। सोनम की एक्टिंग कैसी लगी? सोनम की भी अच्छी थी। स्टोरी कैसी लगी पिक्चर की? स्टोरी तो पहले मैंने पढ़ चुका था इसके बारे में, पर स्टोरी काफ़ी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसकी। हाँ मैसेज ओरिएंटेड है, हाँ देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, और ये बहुत जल्दी टीवी पे भी आना चाहिए, कि जो पिक्चर थिएटर में ना देख सके वो घर पे भी देख सके। हाँ टैक्स फ्री करना चाहिए था, तो ज़्यादा सब तक इंफॉर्मेशन जाती थी, करेक्ट इंफॉर्मेशन। 5 में से 5। बहुत अच्छी थी, बहुत मोटिवेशन थी एक्चुअली, जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे उनके लिए बहुत मोटिवेशन थी, कि हम लोग चाहे पढ़े नहीं हो फिर भी हम बहुत उन दोनों के साथ में अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अक्षय की भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ज़्यादा, बस एंड में जो वो हुआ तो वो थोड़ा ऑड लगा, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 4.5। एकदम फंटास्टिक, फुल टू धमाल, पैसा वसूल। एक्टिंग
बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरेशन थी। वो बढ़ता ही जाने वाला है, हर महीने में आता है, तो टैक्स भी करेंगे तो जो गांव के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैड वो खरीद सकते हैं। 4.2 मतलब ऐसा है कि वो आगे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, वो लोग गूगल है, बहुत सारी चीज़ें, उससे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं चीज़ें। पब्लिक को देखना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली। थैंक यू। थैंक यू।